Hello everyone, this is Ashoka and you are watching YouTube channel called Photo Factory. Today I am going to tell you about how to record the screen, how to record the monitor or the screen of your computer or your laptop so that you can create or you can make some videos or any YouTube content. So let us move ahead. तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं ये आपका लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा है, तो चूंकि जब तक मैं लैपटॉप स्क्रीन का रिकॉर्डिंग मोड ऑन नहीं करूंगा या उसको स्टार्ट नहीं करूंगा तब तक मेरा स्क्रीन में रिकॉर्ड नहीं होगा, इसीलिए मैं ये मोबाइल से आपको वीडियो बना रहा हूं कि कैसे स्क्रीन को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी जो भी काम आप स्क्रीन से दिखाना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कि जो मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम है आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर। और इसी वीडियो में साथ साथ मैं ये भी बता दूंगा कि आप लोग जो स्क्रीन में जो भी चीज़ आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसको जूम कैसे करते हैं या कुछ डायग्राम वगैरह कैसे बनाते हैं। कुछ जैसे मान लीजिए कुछ आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, सपोज़ ये मेरा कर्जर है तो इसके यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बनाना है तो वहाँ कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करना पड़ेगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने के लिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा उंगली, दिस वन इज़ माय सॉफ्टवेयर एंड इट इज़ नोन एज आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर। तो इसको लॉन्च करना पड़ेगा। तो जैसे ही इस तरीके से लॉन्च हो जाएगा तो देख रहे होंगे कि इस तरीके से ये लॉन्च होने के बाद ये इस तरीके से ओपन होता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कैप्चर वीडियो। कैप्चर वीडियो में जैसे ही आप माउस रखेंगे तो वैसे ही बताएगा आपको एरिया चूज़ करने के लिए, यानी कि फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं या कुछ पर्टिकुलर एरिया को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या लास्ट एरिया यानी कि जो पिछले बार यूज़ किए थे उसको, या एरिया ऑटो डिटेक्शन यानी कि अपने से ये सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करने का काबिलियत रखता है। तो उस तरीके से आप कुछ ऐसा रखना चाहते हैं तो इस तरीके से। फिर माउस के इर्द गिर्द एक ऑप्शन और भी है, अराउंड माउस। अराउंड माउस का मतलब है कि क्या आपका माउस जहाँ जहाँ जा रहा है वहीं रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो ये आपके अनुसार आप कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट का मतलब आप फ़ोटो ले सकते हैं, फ़ोटो कितने दूर का लेना चाहेंगे, किस एरिया का लेना चाहेंगे, सब कुछ फुल एरिया। फिर कैप्चर ऑडियो आप किस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहेंगे, जो आप जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये जो ऑडियो है वो किस तरीके से रिकॉर्ड होना है, उसको हाई बिट रेट में, मीडियम बिट रेट में, या जैसे मैंने अभी हाई बिट रेट कर दिया, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड हो के रहेगा वो आपका यहाँ पर हिस्ट्री दिखाएगा। जैसे यहाँ पर मेरे लिए 1 2 3 वीडियो जो है ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रखा है। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे रिकॉर्ड होता है। सपोज़ ये मेरा लैपटॉप, मेरे को पूरा एरिया को रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बॉक्स में, तो ये फुल स्क्रीन को हमने जो है सिलेक्ट कर दिया। तो अब मेरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरिया जो है सिलेक्ट हो चुका है। फिर यहाँ पर नीचे में एक आपके पास ये आएगा, तो यहाँ पर आप अगर इस तरीके से रिकॉर्ड बटन दबा देंगे तो ये जैसे रेसिंग होता है 1 3 2 1, अब जो है यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू हो गया है। तो चूँकि अभी स्क्रीन रिकॉर्डर मेरा चालू हो गया है इसीलिए मैं क्या करूँगा, अब मोबाइल से नहीं सीधे स्क्रीन रिकॉर्ड में बताऊँगा। इसलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड में डाल दिया है और अभी मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाता हूँ इसी स्क्रीन रिकॉर्डर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से मेरे स्क्रीन के बीचों बीच आप देख सकते हैं स्क्रीन में रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए अब हम चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो यहाँ पर आप बटन दबाएंगे पॉज का तो हो जाएगा पॉज, और स्टॉप कर देंगे तो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन मैं स्टॉप नहीं करूंगा अभी भी। तो यहाँ पर आप राइट साइड में जैसे मेरे स्क्रीन के बीच में ध्यान दीजिएगा, चूंकि मैं अभी जूम नहीं कर रहा हूँ या जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर का पेन सॉफ्टवेयर है, तो अभी मेरा यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए इसमें भी मैं ये बताने जा रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि इस आइसक्रीम रिकॉर्डर से भी आप कुछ ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पर ड्रॉ का बटन को दबा दिया, एक बार फिर से दबाते हैं, जैसे ड्रॉ का बटन दबा देंगे तो आपके पास ये सारा ऑप्शन आ जाता है, इसी से जूम भी कर सकते हैं। इस सेम स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर जो है इससे ही आप जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, यानी जूम करने का मतलब जो भी स्क्रीन को जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका किसी पर्टिकुलर में आप काम कर रहे हैं कोने में, अगर आप जूम नहीं करेंगे तो वो छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन उसको व्यूअर को बड़ा दिखने के लिए हमको जूम का सहारा लेना पड़ता है। तो जैसे जूम करेंगे, जैसे अभी आपको ये जूम मोड में दिख रहा है, तो सपोज दैट इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे पेन हो गया, कहीं पर मान लीजिए आप यहाँ पर एक डायग्राम बनाना चाहते हैं इस तरीके से,
या फिर एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं इस तरीके से, या एक सर्कल बनाना चाहते हैं। सपोज दैट इस ड्रॉ वाले जगह पे मैं यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, तो कलर चूज करना है। मान लीजिए कलर है यहाँ पर, तो आप कलर चूज कर दिए, ग्रीन कलर, रेड कलर। तो इस तरीके से आप जो है कई तरह का जो है आप एरो बनाना है किसी जगह पे, तो आप अपना एरो बना दिए, कलर को चेंज करेंगे तो एरो अच्छा सही से दिखेगा। सपोज दैट एरो बना दिए, तो इस तरीके से आप अपना टेक्स्ट में, अगर टेक्स्ट भी अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया। टेक्स्ट का बहुत सारा डिजाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जो है नीचे जा करके आगे इसका 34, इससे भी नीचे जा करके आप अपना साइज बड़ा कर सकते हैं। और सारी चीजों को क्लियर करने के लिए यहाँ पर आइए, क्लियर ऑल कर देंगे तो वो हो जाएगा क्लियर ऑल। दोस्तों मैंने बता दिया था कि आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर से कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो चलिए मैं अभी आपको बता दूं। और उसमें ही उसके मदद से ही आप बहुत सारी चीज को डायग्राम बना सकते थे जूम कर, ये सारा चीज मैंने बता दिया। अब मैं अगर आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डर में जो आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो कई बार क्या होता है कि हैंग करता है, अगर वो हैंग करता है तो आपके पास एक और ऑप्शन है जिसको मैं बता रहा हूँ। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जूम इट, जूम इट। तो आपको उसको इंस्टॉल करना अगर नहीं आएगा, या इंस्टॉल करना नहीं है बस उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको डाउनलोड करना है और उसको उसको जो है आपके डेस्कटॉप में रख देना है। तो ये रहा मेरा यहाँ पर जूम इट का सॉफ्टवेयर, इसको कैसे चालू करते हैं वो जरा से देखते हैं। तो यहाँ पर इसको आप अगर डबल क्लिक करेंगे माउस से लेफ्ट बटन को, तो इस तरीके से एक बॉक्स खुलता है, इसमें आपका सारा ऑप्शन है, ये सारा ऑप्शन। तो जूम, एक जूम का ऑप्शन है, एक लाइव जूम का ऑप्शन है, एक ड्रॉ का ऑप्शन है, एक टाइप का ऑप्शन है और एक ब्रेक का। तो हमको बेसिकली जूम, लाइव जूम और ड्रॉ का ही जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आप अपने हिसाब से शॉर्टकट की बनाइए, क्योंकि बार बार तो आप यहाँ पर आकर के खोलेंगे नहीं सॉफ्टवेयर को, क्योंकि दूसरे काम करते रहेंगे। तो इसीलिए आपको एक कीबोर्ड से शॉर्टकट की दबाना है और उससे आपका काम करेगा। तो इसको लॉन्च करने के बाद जूम के लिए कंट्रोल प्लस ए दबा दीजिए, तो आपका ये कंट्रोल प्लस ए जूम के लिए आपका ये शॉर्टकट की बन गया। फिर लाइव जूम में आइए, यहाँ पर मैंने मेरे हिसाब से कंट्रोल प्लस जेड सेट किया है। फिर ड्रॉ के लिए कंट्रोल प्लस डी सेट किया है। फिर यहाँ पर आपका जो कुछ भी फॉन्ट्स के लिए जो लिखेंगे तो वो यहाँ पर आप अपना फॉन्ट चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेट, यहाँ जो भी आपको सेट करना है आप सेट करके ओके कर दीजिए बस, सेट कर दीजिए बस। तो उसके बाद ये ब्रेक, तो लाइव जूम आप देख लेते हैं इसी प्रकार से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल करना है नहीं पता रहेगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। हालांकि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दोनों सॉफ्टवेयर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके का कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए और भी बहुत ज़िंदगी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।